ओके सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू ग्लोइंग प्लांट फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए आज के इस वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। तो आप सभी को अब करना है कि आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। यहाँ पे जो है गाइस मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से ही इरेज कर रखा है, एंड जिनको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे रखा है उनको, तो वो वीडियो को जाकर देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि बैकग्राउंड को कैसे इरेज करते हैं। तो अब बात करते हैं हम वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे गाइस देखिए आप सभी को करना है क्या, जब आप यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करोगे तो आपको उसको भी डन नहीं करना है, क्योंकि गाइस इसमें जो है अगर आप मतलब प्लांट का पीएनजी लगाओगे तो यार इसमें जो है कुछ सेटिंग्स आपको चेंज भी करनी पड़ सकती है अपने मॉडल की। तो पहले आप उसको डन मत करना, पहले आपको क्या करना, आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को प्लांट का पीएनजी, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अभी आप सभी को उसको ऐड कैसे करना मैं बताता हूँ आपको, कुछ स्टेप से जो है आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। मतलब किस जगह पे यहाँ पे जो मैंने जगह भी छोड़ रखी है आप प्लांट जिसके ऊपर रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो आप सभी को जो आपका मॉडल है, देखिए अब यहाँ पे मेरा जो मॉडल है छोटा लग रहा है ना प्लांट से, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अभी दोनों हैंड के बीच में आना चाहिए, ठीक है। प्लांट जो है दोनों हैंड के बीच में आना चाहिए, उतना साइज आपको रखना है अपने मॉडल का। इतना हो जाने के बाद आप सभी को क्या करना है यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे देखिए कोई रेज करने का तो कुछ जगह लगता नहीं मेरे को, तो यहाँ पे अभी हम इतने भी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, अब जो अब इसको हम डन कर लेंगे, क्योंकि अब इसमें डन करके ना अब इसमें हम थोड़ा सा मतलब कि जो एक पार्टिकल वगैरह भी लगाएंगे, तो उससे जो है अभी पहले इसमें ग्लो डाल लेते हैं कि ग्लो कैसे डालना है, ठीक है। पहले उसकी बात कर लेते हैं, तो पहले आप सबको जाना टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आपको जाना एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोजर को बढ़ा देना है, ठीक है, जो ब्राइटनेस कहते हैं जिसे हम, तो इसको बढ़ा देना है, इसके बाद इन्वर्ट करना है यहाँ पे आप सभी को, फिर क्या करना है यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करके आपको जो यहाँ पे जितने भी मतलब कि जो यहाँ पे जो जितने भी पत्ते हैं इनके प्लांट के, तो उसको सबके ऊपर आपको ऐसे ऐसे पेंट कर देना, मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि इनमें से जो है कोई ग्लोइंग इफेक्ट निकल रहा है और जो कि आपकी पूरी बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। एंड आप लोग एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब आप लोग मेरी फोटोज को क्लिक करवाओगे तो आप नीचे कोई लाइट रख लेना, कोई भी कलर की हो चलेगी, बाकी अगर आप उसको लाइट रूम मैप में एडिट करके जो मतलब आप कलर चाहते हो वो आप कर ही लोगे, तो अगर कोई लाइट वगैरह ना हो तो कैसे आप इसमें रिम लाइट भी क्रिएट कर सकते हो। रिम लाइट जो है मैंने उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो को देख लेना आप, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आप सभी को यहाँ पे बारी आती है एक पीएनजी लगाना, जो कि होगा जैसे हमें फायर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, फायर का पार्टिकल होगा, ठीक है, पीएनजी नहीं है, पार्टिकल है यहाँ पे फायर के थोड़े से, तो आपको इसको यहाँ पे फ्रंट साइड में रखना है, ठीक है। पहले इसका हमें ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर लेना है, एंड इसको थोड़ा सा जूम करके जो आपका हमें फ्रंट में इस तरीके से रख लेना है। इससे क्या है कि मतलब कि ना थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लुक लग रहा है फोटो में, देखने में अच्छी लग रही है फोटो, तो यहाँ पे आपको उसके लिए आपको यूज़ करना है। बाकी आपको उसको सेव करके यहाँ पे लाइट रूम मैप में लेके चलना है, क्योंकि इसको रिटच करके हमें और भी अच्छी बनानी है। तो लाइट रूम मैप में हमने फोटो को ऐड कर लिया है, तो अब आप सभी को जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, आपको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे इसको भी इंक्रीज कर लेना है, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा कम कर लेना है, फिर ब्लैक को भी थोड़ा कम कर लेना है, एंड जो यहाँ पे वाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे प्लस कर लेना है। फिर उसके बाद आप सभी को चले जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो वाइब्रेशन इसको इंक्रीज ही रखना है, ठीक है, माइनस मत करना, इंक्रीज ही रखना, बाकी टेम्परेचर को थोड़ा कम कर लेना है। फिर मिक्स में चले जाना है, ऑरेंज कलर को लेना है, एंड उसके बाद जिसका ल्यूमिनस इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन कलर लेना है। अब हमें गाइस यहाँ पे जो मतलब हमारे फेस के ऊपर जो भी कलर आ रहा है ना, हमें उसको येलो में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो इसका ह्यू है माइनस की तरफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जितना भी पार्ट होगा ग्रीन वाला सब येलो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना है कि आपको डार्क ब्लू में जाना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को कलर जो चेंज करना है पैंट का, ठीक है। तो अपनी जो मैंने जीन्स पहन रखी यहाँ पे मॉडल है हमें उसको चेंज करना है, तो आप इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, ह्यू को चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम इसकी क्लियरिटी इंक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम एक बिगिनेट डाल देंगे थोड़ा सा, एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे ग्रीन माउंट मिले हम इसको बढ़ा देंगे, तो ये हल्की सी जो है मतलब इसमें नॉइस रहे, ठीक है। फिर उसके बाद शार्पनेस बढ़ा देंगे, एंड नोटेशन बढ़ा देंगे, कलर नोटेशन को भी बढ़ा देंगे। तो बाकी का यहाँ पे फोटो हमारी कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।